Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching The Rai Family. So, आज का जो टॉपिक है, मैंने तुलसी विवाह किया हुआ है अभी, तो एक अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियोज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो उससे शायद आप लोग भी कोरिलेट कर रहे होंगे, देखे होंगे तो आज नहीं देखे होंगे, तो अगर आप जानते होंगे नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आखिर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये है जो सचिन मनीषा का और नेहा का जो क्या है, नेहा आशीष तिवारी जो है उन लोगों का जो मैटर चल रहा है इस पर है। तो देखिए, मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानती हूँ, बट अब आज से पहले मुझे कुछ पता भी नहीं था। कंट्रोवर्शियल वीडियो कंटिन्यू आती थी बट टाइम भी नहीं था, फेस्टिवल सीजन चल रहे थे तो टाइम था नहीं कि मैं देखूँ उस पर। आज पता नहीं क्यों मैं मोबाइल खोली और मतलब ऐसे थंबनेल था और बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी अपने बनाए हुए हैं, बट मेन जो मनीषा का वीडियो था वो मैंने देखा। और वीडियो देखने के बाद बींग अ ह्यूमन बींग या फिर बींग अ वीमेन मुझे बहुत वो चीज़ कनेक्ट लगा। और देखो, एक चीज़ होता है ना कि हमारे पास एक सिक्स सेंस होता है या फिर अदरवाइज हमें समझ में आता है कि कौन कैसा है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ समझ में आ जाता है, अगर ऐसा समझ में आ जाए तो धोखा हर कोई ना खाए, बट हाँ चीज़ें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए और समझ में ना आए। तो वो चीज़, वो वीडियो मैंने दो तीन टाइम में देखा, क्योंकि कुछ कुछ मैं काम कर रही थी, फिर मैं ओपन कर रही थी तो वो वीडियो वहाँ पे शो कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा इस वीडियो को मैं देख लेती हूँ। मैंने देखा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो था, उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आपका परिवार है, आपका घर है, कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसको आपको बचाना है। अपने फैमिली के प्रति ऑनेस्ट रहिए, हर रिश्ते के प्रति ऑनेस्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही गलत होते हैं। घर में ऑनेस्टली हर कोई अपने पर्सनल लाइफ को लेके कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है इस टाइम पे। मेन रीजन, आदमी हंस तो लेता है बट अंदर से वो हैप्पी नहीं होता है, बिकॉज कि उसके फैमिली में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम चल रही होती है। देखो, कहा जाता है ना कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट और अनप्रिडिक्टेबल है कि हमारी लाइफ में कल को क्या होने वाला है। तो देखो, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल भी नहीं करो। और ये कहने से जो जिसकी जो नेचर है वही रहेगा, बट मेरा थॉट यही है कि हम किसी का अच्छा कर पाए अपने ऑन द बेस ऑफ आवर रिसोर्सेज तो कर दो। अगर नहीं कर सकते हो तो दूर रहो, बट उसका बुरा नहीं करो। बट हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना, मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे की खुशियों से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इसे जैसे ही दो दिन पहले या एक दिन पहले, कल शायद मैंने स्क्रॉल किया तो सचिन का वीडियो आया था, उस वीडियो में था कि अब समथिंग, मैंने एक दो मिनट ही देखा था तो उसमें समथिंग कुछ ऐसे था कि मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, या फिर मेरी वाइफ मुझे मनीषा को लेकर कि मेरी वाइफ मनीषा मुझे माफ़ करेगी नहीं करेगी, पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, दैट मीन्स कुछ निगेटिव चीज़ें थी। तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई लड़की आपको इतना टाइम दी है तो दैट मीन्स कि तुम उसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हो, तो इस चीज़ को समझो ना कि और ज़्यादा मतलब अपने रिश्ते को उलझाओ। अगर वो सुलझा रही है तो अपनी साइड से आप भी सुलझाने की ट्राई करो, ऐसा नहीं कि पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, तो इससे स्ट्रेस लेवल आता है, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ये मैं बता सकती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में अगर प्रॉब्लम है, आपके माय फैमिली के बीच में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आपसे बेटर और कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ
मतलब जो भी है, तो आप दोनों एक दूसरे से कितना कनेक्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी का रिश्ता अगर 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से चल रहा है, हम साथ हैं, तो एक दूसरे से बिना कनेक्ट हुए रह सकते हैं। मेमोरीज होती हैं, कनेक्शन होता है। तो देखो, आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, अपने लाइफ पार्टनर को इम्पोर्टेंस दो, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो, बाकी की सारी चीज़ें, एंजाइटी हुए, डिप्रेशन हुए, बाकी ये सारी चीज़ें ना, अगर एक हेल्दी फैमिली है तो ख़त्म हो जाता है। और बाद में लगता है कि हम कितनी सिली सी बातें कर रहे थे, ये बातें कोई वैल्यू नहीं रखती, अगर वैल्यू रखती है तो मेरी फैमिली रखती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपके तो मतलब शायद वो कोई रिलेटिव नहीं थे, दूर के लोगों ने ऐसे किया है। यहाँ तो ओ फैमिली में घुस के फैमिली मेंबर्स इस तरह से करते हैं। तो मैं तो बहुत ऐसे, बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज है, पर्सनल लेवल पे स्टोरीज है, मैं जितने लोगों को जानती हूँ पर्सनली, कि बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं। और वो होता है ना कि हर रिश्ते में, अगर रिश्ते की प्योरिटी तभी क्लियर होती है जब रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए और उसको हम क्रॉस करके आगे बढ़ें। तो बस अच्छा है कि आपका कोई फैमिली मेंबर वो नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल में से नहीं है, वो बाहर का बंदा है। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखो, हमारे लाइफ में जब कोई चीज़ हो जाती है तो हमें ये देखना चाहिए, उसमें पॉजिटिव खोजना चाहिए, ना कि निगेटिव खोजना चाहिए। आप उनका सोचो जिनके फैमिली मेंबर्स इस तरह की चीज़ें करते होंगे, तो उनके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहता होगा। अब जिनके साथ नहीं हुआ है वो बोलेंगे फैमिली मेंबर ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो आप नहीं जानते हैं, इस दुनिया में ना, दुनिया गोल है और हर तरह के लोग हैं, और हर स्माइल के पीछे एक टेंशन है, रिश्ते को जोड़ के चलने का टेंशन, अपने प्रॉब्लम को छुपाने का टेंशन, अपने लाइफ को सर्वाइव करने का टेंशन। हर किसी के लाइफ में टेंशन है, और ऐसा नहीं है कि निगेटिव लोग सराउंडिंग में नहीं है। आज के डेट में हम अगर हम बोले, पहले भी लोग होते थे निगेटिव, बट आज के डेट में मैं बोलूँ तो पॉजिटिव बहुत कम है, निगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं और हर किसी की लाइफ में है। तो मेरा मानना ये है, अगर पर्सनली मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दूँ, तो निगेटिव लोगों को आप ट्राई करके करेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक कर दिया कुछ गलती, तो आप उसको एक बार बता सकते हो। अगर कोई पॉजिटिव बंदे से कोई गलती हो गई तो तुरंत वो करेक्शन करेगा, तुरंत आपसे सॉरी बोलेगा। तो यहाँ पे सचिन मनीषा के केस में मैं बोलूँ तो यहाँ अगर कंट्रोवर्सी नेहा की तरफ से हो रही है, तो शायद नेहा को आके क्लियरिटी करनी चाहिए। बाकी सोशल मीडिया पे इतना हड़कंप मचा हुआ है और वो ऐसे साइलेंटली बैठी हुई है। दूसरी बात, अगर निगेटिव बंदा है, पॉजिटिव है, तो आएगा, क्लियर करेगा, आपको भी टेंशन में नहीं रखेगा, खुद को भी नहीं रखेगा, अगर उसको अपनी अपने चीज़ों को मैनेज करना है तो। क्योंकि ओपनली मैं किसी के भी बारे में यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, बट एक पॉजिटिव थॉट्स जो मेरे हैं वो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो और अगर निगेटिव बंदा है तो आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरी लाइफ, और 1 साल 2 साल नहीं, पूरी लाइफ ट्राई कर दो, निगेटिव ही रहेगा। तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप उससे जितनी दूरी बनाना चाहते हो बना लो, जितनी दूरी बढ़ाना चाहते हो, बिल्कुल अपनी लाइफ से, अपने घर से, क्या अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से, सब जगह से निकाल के फेंक दो उसको। क्योंकि ये लोग जो होते हैं बिल्कुल पॉइजन की तरह होते हैं, ये इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एडिक्टेड होते हैं, इनको गंदगी करने का एक एडिक्शन होता है। मैं इन लोगों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, सचिन मनीषा ने इनके बारे में नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर निगेटिव कोई बंदा है तो उसको आदत होती है। जैसे मैंने बोला कि, जैसे सचिन ने बोला कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ कहीं ख़त्म नहीं होती है। हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उसको लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, निगेटिव चीज़ें लेके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये होती है, जो पास्ट होता है हमारे हाथ में नहीं होता है, फ्यूचर जो होता है बहुत अच्छा लगता है, फ्यूचर के सपने हम बहुत देखते हैं, जो फ्यूचर वही प्रेजेंट और पास्ट बन जाता है तो वो बुरा लगने लगता है। तो उसको सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने प्रेजेंट को हम अच्छे से क्या करें, प्रेजेंट को अच्छे से हम रहें, प्रेजेंट में अच्छे से रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मिस्टेक्स नहीं होंगे, मिस्टेक्स होंगे,
बट उस मिस्टेक्स को जितना कम हम कर सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट जितना कम हम करें अपनी लाइफ पे, कि उस मिस्टेक का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे जितना कम हो सके वो बेटर है। और जो मैंने बताया कि एक मूल मंत्र होता है कि लोग एक बार गलती होती है, गलती सिर्फ अगर कोई बंदा अच्छा है तो गलती एक बार करेगा, बार बार अगर एक से दो बार अगर करे तो दूसरी बार के बाद दूसरी बार से मौका बंद कर दो, अपने दरवाजे बंद कर लो। अगर आप हैप्पीली अपनी लाइफ में सर्वाइव करना चाहते हो और रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, क्योंकि देखो लाइफ में वैसे भी बहुत टेंशन है, और किसी के गंदे बिहेवियर की वजह से, किसी की गंदी आदतों की वजह से अगर आपकी लाइफ डैमेज हो रही है, तो आप अपने अगर आप बार बार उसमें इन्वॉल्व होंगे तो लोग भी यही कहेंगे कि देखो ये खुद वैसा है या फिर ये खुद वैसी है, इसको मज़ा आ रहा है, ये खुद वो कर रही है और यह कर रहा है। और अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी लाइफ, जब तक आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आप चिपके रहेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो मेरा मानना यही है कि लाइफ को ना देखो, लाइफ जैसे मैंने बताया है कि लाइफ का एक एक टाइम ना वैल्यूएबल होता है और वही हमारा पास्ट बनता है। तो अगर आप सीरियसली लाइफ को नहीं ले रहे हो तो पास्ट आपका पेनफुल होगा, तो लाइफ को सीरियसली लो और रिश्तों को कमजोरी नहीं बनाओ। अगर कोई आप को प्यारा लगता है तो आप भी उसको प्यारे लगने चाहिए। अगर आप किसी की वैल्यू कर रहे हो तो आप खुद की भी वैल्यू करो, ऐसा नहीं कि सामने वाले को इतना वैल्यू करो कि खुद को गिरा लो, रिश्ते में ये चीज़ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको और मतलब कि प्रेजेंट में देखते हुए, एनालिसिस करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमसे गलती हो रही है। और बस मुझे लगा इस टॉपिक पे थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं उन्हें आइडिया लगेगा और उन्हें कुछ पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ मिलेगी कि हाँ कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे क्या है। जैसे मैंने बताया है कि अभी बहुत, जैसे मनीषा का मैंने वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी लड़की, और ऑनेस्टली उसकी चीज़ों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 1% भी वो गलत बोल रही है। और गलती सचिन से हुई है, क्योंकि जब आपकी वाइफ थी तो आपने किसी और को एंटर करने दिया अपनी लाइफ में, अपने घर में। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक हस्बैंड को, एक वाइफ और हस्बैंड को एक दूसरे की रिस्पेक्ट थर्ड के सामने करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। अब बाद में बोलने का मतलब ये नहीं होता कि गलती हो गई, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अच्छे हो तो आपको गलती का एनालिसिस होता है, करेक्शन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और वैसे भी हमारे रतन टाटा जी ने बोला है ना कि डिसीजन लेते हैं, और अगर हमने गलत डिसीजन ले भी लिया तो उसको हम करेक्ट करते हैं। लाइफ यही है, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं है और हमेशा हम करेक्ट रहें ये इम्पॉसिबल है। तो बस मैं सचिन मनीषा को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने उस चीज़ों को बिल्कुल ही भूल के आगे बढ़ो। और मुझे पता है कि एक जो वुमेन होती है ना, जो वाइफ होती है, वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अपने हस्बैंड के प्रति, अगर उसका हस्बैंड उसके लिए इम्पोर्टेंट रखता है तो। अगर वो सच में उसका लव कर लविंग केयरिंग उसके लिए है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती है, उसके लिए मायने ये रखती हैं कि हाँ तुम समझ गए हो, बट ऑनेस्टली समझ गए हो। समझने का ऐसे मतलब वो नहीं करना चाहिए। और ऑनेस्टली आप जो डबल फेस है, जो भी है ना, थर्ड पर्सन के सामने आप अपनी फीलिंग्स भी छुपा लो, कुछ भी छुपा लो, बट जब हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को लेकर अपनी फैमिली को आगे बढ़ना है। अगर हस्बैंड वाइफ फैमिली में परेशान है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, अगर जो भी फैमिली मेम्बर हैं उस फैमिली में तो। और बस यही मैं बोलूँगी, इनफैक्ट मैं तो हस्बैंड वाइफ क्या, मैं तो सारे रिश्ते में ही बोलूँगी कि ऑनेस्टली रहो, लॉयल रहो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब आप लाइफ में लॉयल रहते हो तो ऑनेस्टली आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि आप सक्सेस भी होते हो, ग्रो करते हो। अगर लॉयल नहीं हो तो आपके अंदर इतना डिप्रेशन आने लगेगा, एंजाइटी आने लगेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग दूसरों की खुशियों से ज़्यादा आजकल बीमार होते हैं, अपने टेंशन से कम, अपने बीमारियों से कम परेशान होते हैं, ठीक है। उनको एंजाइटी अटैक ज़्यादा दूसरे की खुशियों से आते हैं।
तो एक कॉमन चीज मैंने यहाँ पर रखा है, सिर्फ ये चीज को मैंने एनालिसिस किया और ये देखा है, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। और ऑनेस्टली मेरा वीडियो खुद बड़ा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा मनीषा का वीडियो क्लिप यहाँ पे थोड़ा सा उसके वीडियो का क्लिप लेके अटैच करूँगी। ऑनेस्टली वो लड़की बहुत परेशान है, तो जो भी उसको जानते होंगे उनको उसको सपोर्ट करिएगा, समझाइएगा। शायद वो थोड़ी सी एज में भी कम एज की है, तो उसको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको समझाइए कि हाँ, लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता, गलती हो गई फिर उसको मूव ऑन करना चाहिए। और बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो पहुंच पाए। और लोगों को अगर हेल्प मिले इस वीडियो से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। छोड़ के रख दिया है मेरे दूध, छठ पूजा पे मैं इस कर लूंगी, लेकिन कल मैं बहुत बहुत कि ये क्या हो रहा है छठी मैया मेरे साथ, मैंने क्या पाप कर दिया है। मैं छठ घाट पे नहीं गई थी, लेकिन मैंने बस यही बोला छठी मैया क्या पाप कर दिया है मैंने, जिसकी सजा मुझे इतने टाइम से मिलती आ रही है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, कभी दिल से खुश कभी रह ही नहीं पाते थे, इतना गलत हो गया था ना मेरे साथ। और जिस दिन क्या बोले, बहुत सारी बातें ना हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतने टाइम से मन में बातें रह रही थी, मैंने बहुत बार बोले कोशिश की, मैंने कॉल भी किया कि बस रहने दो, छोड़ दो, मत बात करो, लेकिन उनको बात करना था। बीच में उन्होंने छोड़ दिया था किसी रीजन से बात करना, तो 4 दिन के लिए, लेकिन वो बात करना था उनको, उनको पीछे पड़ना था। उन्होंने बार बार मेरे को फोन किया, मेरे को बात करवाओ, मेरे को बात करवाओ, नहीं तो मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार तुम होंगे, तुम दोनों होंगे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। मेरे को इतना डराते थे वो लोग, इतना डराते थे, बोलते थे कि अगर मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार हो जाओगे तुम लोग, ये सारी चीज़ें। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा किसी को धमकाते हुए, पर बाहर के लोग धमका के चले जाते थे। जो भी हुआ ना कल बहुत अच्छा हुआ। जब इनकी तबीयत खराब हुई थी ना भोपाल से, जब हम लोग आए थे, पहली बात आप लोग से बता देना, भोपाल जाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि हम पसंद ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हुई। मैं उसको कभी नहीं पसंद कर सकती हूँ, बहुत गंदा वाला नफरत करती हूँ, मैं नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ, इसीलिए नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो गया है ना कि हम क्या ही बताएं। भोपाल बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, हम आए थे यहाँ मस्त घूमने के लिए, उसके बाद से ना पता लगा कि सगाई है तो हम लोग गए। इसके बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं पता है, जितना पता है उतना ही बता रहे। सगाई में हमारा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, हम गए इनके साथ होटल में रहे। उस टाइम अंशु थी, शुभम बाबू भी थे, सबके साथ गए थे और वहाँ होटल में रुके थे। तब इन्होंने कॉल किया, ठीक है, मेरे को देखो झटका कहाँ कहाँ लगा, मुझे लगा कि बुलाया तो गया ही है इनको, और बुलाया गया तो हम लोग चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब इन्होंने फ़ोन किया ना, तो मम्मी ने बोला कि तू आया क्यों है यहाँ, तुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। तो ये बोले कि मम्मी मैं भोपाल में हूँ इस टाइम, तो बोलती है तू क्यों आया यहाँ, तेरे को तो आना ही नहीं चाहिए था।
मनीषा को दिक्कत भी है ना, ऐसे करके कुछ उसका असली चेहरा सामने आना चाहिए। मेरा असली चेहरा सामने आ रहा था ना, लाओ मेरा, लाओ चेहरा असली सामने, मैं भी अपना असली चेहरा देखना चाहती हूँ कि मेरा असली चेहरा क्या है, मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है। लेकिन आपको भी अभी नहीं पता होगा कि आप क्या ही बोले, कि क्या क्या गलत हमारे साथ हुआ है। आपको भी ये चीज नहीं पता है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तब ना इनका पूरा होश उड़ गया कि यार, मतलब ये उस टाइम इतना रोए ना, इतना रोए, मैं नहीं संभाल पाई इनको, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। क्योंकि एक तो पहले ही से मेरा मन नहीं था जाने का, उसके बाद जाने के बाद ऐसा बेइज्जती ना, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, जिसको बुलाया गया है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी ना, कि हम लोग शाम तक वहां से बाइक कार, रात भर तक कार चला के गए थे, उसके बाद शाम तक हम लोग लौट गए घर की तरफ। तभी मम्मी से लिपट के रो रहे थे। अगले दिन ना जब ही गए थे स्कूल पे, तो मुझे नहीं पता, उस दिन ना लगा कि सब खत्म हो गया मेरा। क्योंकि ना लाइफ में मेरे को लग रहा है ना, लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया ना, तो इनसे ही किया। इनका जब तबीयत खराब हुआ ना, तो मेरे मम्मी पापा भी आए थे हमको ले जाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि हमको लगा कि ऐसे सिचुएशन में छोड़ के जाना सही नहीं है। चाहे जैसा भी है, मेरा पति है, मैं अपने मायके तक नहीं गई।